स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मुल्क में जारी सियासी ड्रामे का अभी ड्रॉप सीन नहीं होगा, ड्रामे के किरदार तब्दील होंगे। हांडी पक चुकी, आधी बट चुकी, आधी बांटी जा रही है। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगु में उनका कहना था कि सियासत में इस्लाम को लाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं, हमारा मुस्तकबिल अल्लाह के फजल से रोशन है, हमारा दामन पाक साफ और दीन से जुड़ा हुआ है। जो बाहर बैठे हैं उनकी बीमारी की अभी दवाई नहीं आई। जलसों की सियासत से तहरीक अदम एतमाद पर फर्क नहीं पड़ता। चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वज़ीरा शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने लाहौर में उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरतेहाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में चौधरी मोनस इलाही और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। अपडेट कर रहे हैं आपको मुलाकात के हवाले से, चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वज़ीरा शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने लाहौर में उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की है। सियासी सूरतेहाल पर गुफ्तगू की गई और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू हुई, क्योंकि इससे पहले हुकूमती वफ्द पहुँचा था MQM रहनुमाओं के पास और उनको भी एक बार फिर से कायल करने की कोशिश की गई थी कि वो तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बने। और आज ये वक्त पहुंचा है चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के लिए उनकी रिहायशगाह।